हैरान है पवन सिंह आम्रपाली दुबे के रवैये से। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले आपने सुना होगा कि आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दोनों ने पवन सिंह को अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया अकाउंट पर, और यही कुछ पवन सिंह की तरफ से भी किया गया। दोनों तरफ से यही बात आई है कि दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब हो गई जब धड़ाधड़ फिल्म में साइन कर रही हैं खेसारी लाल यादव के साथ आम्रपाली, और वहीं पवन सिंह के साथ फिल्में करने के लिए या उनके साथ आइटम सॉन्ग करने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको ये बता दें कि आम्रपाली के जो सुपरहिट करियर में पवन सिंह का बहुत बड़ा योगदान इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों का गाना एक साथ बहुत पसंद किया गया। आप सभी को पता है रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया वाली बात हम कर रहे हैं। इन दोनों की फिल्म शेर सिंह को भले ही अच्छा रिस्पांस न मिला हो दर्शकों की तरफ से, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया है। हाँ, ये बात और है कि जब पवन और अक्षरा में विवाद हुआ था वहाँ भी आम्रपाली बचती हुई नजर आई थी, पूरी तरह से बचती हुई। ना उन्होंने पवन के खिलाफ कुछ कहा था ना अक्षरा के खिलाफ। अब जो सामने आया है उसे देखकर ये लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है। आम्रपाली और पवन ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री की जान कहे जाते हैं, और ये दोनों अगर साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जहां आम्रपाली दुबे अलग अलग हीरोज़ के साथ काम कर रही हैं, वहीं पर इन दिनों उन्होंने पवन सिंह के साथ काम करने को लेकर कुछ नहीं कहा, और ना ही पवन सिंह से अगर ये सवाल किया जाएगा तो शायद पवन ये कहेंगे कि अच्छी फिल्म या अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो ज़रूर करेंगे, या फिर वो नो कमेंट कह के बात को टाल देंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।